यार मामा को अभी कॉल करना था। हेलो हाँ माँ। तो मैंने भी तो आपको मना किया था कॉल करने को। अरे बोलती नहीं ना एक घंटे में आ जाऊंगी, दो घंटा हो गया, कब आएगी? अगर मुझे इतनी जल्दी बुलाने का शौक है ना तो कॉल कर दिया करो, ऑटोमेटिकली निकल जाऊंगी। मतलब कुछ नहीं, मैं घर आ रही हूँ फिर बताती हूँ। हाँ नहीं तो बेकार कॉल कर देती बेइज्जती करने के लिए। ये लो मम्मा का सदियों पुराना फोन। ये संभाल के अगर टूट गया तो? ये टूटेगा अगर इसको 10 महल की बिल्डिंग के ऊपर से फेंकेंगे ना तभी टूटेगा, नहीं बाउंस होके हेलो बोलने आएगा। क्या हो गया? क्या हो गया ये पूछे, क्या नहीं हुआ है? आपके इस फोन के से तो आज मेरी बेइज्जती होने वाली है। वो तो मेरे शातिर दिमाग ने ना मुझे बचा लिया। इस फोन से इतनी प्रॉब्लम है तो जाती ही क्यों होगा? वाह वाह वाह, आपने कितनी आसानी से ये बोल दिया कि बाहर जाती ही क्यों हो। आपने कभी ये नहीं सोचा आज कितना अच्छा दिन है? चलो आज मैं अपनी प्यारी सी बेटी जो मेरा इतना ख्याल रखती है उसके लिए मैं एक नया स्मार्टफोन ले लूं। कभी आपने सोचा है? आपके पास कोई जवाब है? है ना जवाब मेरे पास, जवाब भी है और सवाल भी है। तो पहले कौन सा सुनाओ, जवाब या फिर सवाल? सवाल सवाल मेरे पास ये है ना कि जो तुम इतना पटपट पटपट बोल रही हो ना उसके लिए तुम्हें घूंसा लगाऊं या थप्पड़? अरे माँ आप तुम्हें घर में दिल में ले लिए, मैं तो मजाक कर रही थी माँ। आपको पता ही है मैं हूँ ही आपकी ओवर ड्रामेटिक बेटी। देखो कैसे अभी बदल गई आवाज, लता मंगेशकर के जैसे। अरे मम्मा आप वो सब छोड़ो ना, मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ एकदम प्यारी सी आवाज में। वो सब छोड़ो माँ, आजकल सभी के पास है एक स्मार्टफोन सिवाय आपकी इकलौती बेटी को छोड़ के। देखो मेरे पास है ये बाबा आदम के जमाने वाला फोन। आपको लगता नहीं कि आपको मेरे को एक स्मार्टफोन दिला देना चाहिए? बेटा हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें सब देख के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब जो मन करे जाके शॉपिंग कर लो, सब चीजें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आपके इस प्लानिंग में कब है मेरे लिए स्मार्टफोन लेने का प्लान? अभी तो पिछले साल तुम्हारे लिए कंप्यूटर लिया ऑनलाइन क्लास के लिए। कंप्यूटर तो एक साल पहले लिया था ना? हाँ। और जब उसकी ईएमआई खत्म होगी तब आप मेरे लिए स्मार्टफोन लोगे ना? पक्का। तब उसकी ईएमआई कब खत्म हो रही है? उसकी ईएमआई 2024 में। Oh, no. 2024 में? मतलब मुझे 3 साल और रुकना होगा? नहीं बाबा 2021 तो अभी खत्म ही हो गया, बस 2 महीने बचे हैं। बस 2 साल 2 महीने। दो साल दो महीने तो यूँ चुटकियों में बीत जाएंगे। Oh, no. उसके पहले मैं ही ना बीत जाऊँ। मम्मा आपको पता है जब माँ बाप ने अपने बच्चों की बात नहीं मानते तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हैं? डिप्रेशन? ये डिप्रेशन क्या होता है? और कुछ नहीं जमता मेरे को। हाँ एप्पल। हाँ झाड़ू मार रही है मैं। चल रखती है मैं। अरे झुमरी फल मंगा रही है क्या? मेरे लिए भी 1 किलो मंगा देना। अरे नहीं मैम साहब, एप्पल का फोन। Oh, no. अरे मेरे को एप्पल के अलावा ये एंड्रॉइड नहीं जमता, ये एप्पल ही जमता है, अब आदत लग गई है। मजा आ गया ना? हाँ।
अरे ये देख कितना फनी फिल्टर है ना। ये देख अंदर फनी है ना ये। हाँ ये तो फिल्टर मैंने पहले ही ट्राई करके रखा है। अच्छा दिखा। वो क्या है ना, मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना तो फोन डेड हो गया। अब क्या, हाँ दिखा सकते। इसका फोन तो हमेशा ही मर जाना था, वो नया ले लेना चाहिए। हाँ सही कहा मानसी ने। हाँ ले तो लूंगी ही ना, वैसे भी 3 महीना पुराना है ऑब्वियसली, तो मतलब नया ले ही लेते हैं। यार तो कितनी फनी है। चलो चलो एक नया वीडियो बनाता है। हाँ चल ठीक है। एक मिनट रुको अनु। क्या हुआ? ये फोन बतानी वाली थी। तो सॉरी क्यों बोल रही है? क्योंकि अब तुम लोगों को पता चल गया ना। क्या पता चल गया? किसी का फोन गिर गया होगा। तो हंस क्यों रही है? किसी का फोन गिर गया और तू यहाँ पे हंस रही है? इसे देख के तो लगता है कि एक बुढ़े आदमी का फोन है। दिखा दो। ये लगता है किसी बच्चे का फोन है। ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा ने उनको दिया होगा। देख कितना पुराना है, बाबा आजम के जमाने का फोन लग रहा है ये तो। अरे लेकिन जो भी है, हमने वॉचमैन को दे देते हैं फोन। मतलब कोई कंप्लेन करेगा, FIR डालेगा तो पुलिस आएगी और हमें पकड़ लेगी। सर कुछ भी बोल, हम लोग देख के आते हैं इसको। हाँ हाँ चलो। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। बार बार बच्चे एटलीस्ट फोन से पीछे तो छूटा है। अरे नया आईफोन है तो नया सिम भी ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओह माय गॉड, मेरा प्यारा आईफोन, इतना मजा आने वाला है। अनु मम्मा, मम्मा दुनिया की सबसे बेस्ट मामो, बेस्ट मामो। अरे हाँ बाबा, वो तो पता है। तूने फोन देखा क्या? हाँ देखा ना, कितना अच्छे मम्मा आपने मेरे लिए आईफोन गिफ्ट किया। मम्मा बहुत अच्छी मम्मा हो। माँ मैं सोचती थी आप चुड़ैल, लेकिन आप चुड़ैल नहीं हो माँ, आप देवी हो। देवी मैं आपकी हर रोज पूजा करूंगी। ओ चुड़ैल की बच्ची, ये फोन तेरे लिए नहीं है जो डिब्बे से निकाल ली। अरे पापा की कंपनी से मिला है, पापा के बॉस के लिए, उनको गिफ्ट पहुंचाना है। ला दे इधर। फेंक दूंगी ना, ये टूटेगा नहीं, ये कूद के वापस हाय बोलने आ जाएगा।